कि चित्त प्रसन्न हो उठता है मेरा जब वो मेरे सामने होती है, मन प्रसन्न हो उठता है मेरा जब वो मेरे सामने होती है, शुद्ध बुद्ध सब खो देती है जब भी मुझे संकट में पाती है, और ये दुनिया की नजरों में मैं भले ही फकीर हूं, इस दुनिया की नजरों में मैं भले ही फकीर हूं, पर मेरी माँ आज भी मुझे राजा बेटा बुलाती है। शुक्रिया। सरल शब्दों में लिखता हूं भाई, हमारी जो भी रचनाएं उसको समझने के लिए आपको किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी रचनाओं के ऊपर लिखा था कि नादानियां करो जिसमें वो उम्र कच्ची होती है, नादानियां करो जिसमें वो उम्र कच्ची होती है, एक तनहा हो तो दूसरा पागल हो, वो इश्क सच्ची होती है, और हम सरल शब्दों में कितने भी जज्बात डाल दें, हम सरल शब्दों में कितने भी जज्बात डाल दें, पर लोगों को लगता है जो समझ ना आए वो शायरी अच्छी होती है। भाई शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई। जब भाई शुक्रिया, जब मैं पहली बार जॉब के लिए जा रहा था भाई, बेरोजगारी से एक रोजगार की तरफ, तो जब ट्रेन में बैठा था, सोच सोच कर जो लोगों से सुना था मैंने, उसको हमने यहाँ पे एक कविता के तौर पे लिखा था, सोचा था गजल, बट लोगों का कहना ये कविता ही है। तो शुरू करता हूँ। जितेंद्र भाई तवज्जो चाहूँगा आपका, कि ना खुद को समझ सका न समझा पाया इस जमाने को, मैं गांव छोड़ शहर को आया दो पैसे कमाने को, ये चंद लोग जो हमें बेरोजगारी के ताने मारते हैं, मेरे मन पे क्या बीत रहा ये नहीं जानते हैं, एक टक निगाह पंखे की ओर, एक टक निगाह पंखे की ओर, मन किया लटक जाने को, मैं गांव छोड़ शहर को आया दो पैसे कमाने को। पीछे क्या छोटा उसके बारे में बोलूंगा कि माँ का अनमोल ममता, पिताजी का प्यार छूटा, भाई बहन घर छूटे, मेरा जिगरी वाला यार छूटा, माँ का अनमोल ममता, पिताजी का प्यार छूटा, भाई बहन घर छूटे, मेरा जिगरी वाला यार छूटा, अपनों को छोड़ पैसे के लिए आया यहाँ ठगाने को, मैं गांव छोड़ शहर को आया दो पैसे कमाने को। अब यहाँ याद के आते हैं भाई कि शुक्रिया, याद के आते हैं कि याद आते हैं साथी संग गली के मोड़ पे बैठना, बिन बात किसी तीसरे पे यार के लिए ऐठना, याद आते हैं गली के मोड़ पे साथी संग बैठना, बिन बात किसी तीसरे पे यार के लिए ऐठना, हर रोज घर के सपने आते हैं मुझे सताने को, मैं गांव छोड़ शहर को आया दो पैसे कमाने को, मैं गांव छोड़ शहर को आया दो पैसे कमाने को। वापस से सिलेबस पे आऊँगा, दिल टूटे आशिक कि क्या कद्र की वो, शुक्रिया, कि कद्र की क्या कद्र की वो मेरी मोहब्बत का ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्या कद्र की वो मेरी मोहब्बत का ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, अंदर तक चुभेगी कुछ इस कदर सताएंगे, और एहसास तो ये दुनिया कराती होगी मेरी जान, एहसास तो ये दुनिया कराती होगी मेरी जान, वक्त आने दे हम तो अफसोस करवाएंगे। भाई शुक्रिया भाई, भाई बिहार से हूँ यार, और छठ पर्व क्या महत्व रखता है हमारे लिए, ये आप लोग पूरी दुनिया जानती है, आप तो हमारे पड़ोसी और यहाँ भी मनाई जाती होगी। तो छठ के ऊपर एक लिखा था कि छठ गीत की मधुर स्वर जब भी कानों तक आता है, छठ गीत की मधुर स्वर जब भी कानों तक जाता है, तन मन मस्तिष्क विचलित हो सब घर को दौड़ लगाता है, और कोताहुल मन की टीस तुम क्या जानो साहेब, कोताहुल मन की टीस तुम क्या जानो साहेब, जब छठ पूजा हो सामने और दफ्तर से छुट्टी ना मिल पाता है। शुक्रिया भाई।
जहानाबाद जिला भाई काफ़ी, जिस जिला से मैं हूँ वो पूरे इंडिया में काफ़ी बदनाम रहा है। 2005 में वहाँ पे एक जेल ब्रेक कांड हुआ था जिसके कारण बहुत लोग जानते थे, अभी लोग भूल गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो लिखा था कि अपने जिला पे लिखा हूँ भाई कि सुनो सुनो, दुनिया की दिखावे से कहीं दूर ले जाऊँगा। अपनी महबूब से कह रहा हूँ कि सुनो, दुनिया की दिखावे से कहीं दूर ले जाऊँगा, प्रेम की अनकही गजलें सुनाऊंगा। और क्या गोवा क्या मनाली मैडम, क्या गोवा क्या मनाली मैडम, जहानाबाद आना, बराबर की गुफाएं घुमाऊंगा।